यूपी में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट को जारी किया गया और इस लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी हो गई। करहल से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। फूलपुर से बात कर मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी उम्मीदवार बनाए गए। तो एक एक करके वो तमाम नाम इस वक्त उपचुनाव के लिए आपको बता रहे हैं। फूलपुर से बात करें मुस्तफा सिद्दीकी का नाम सामने आया है उपचुनाव के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। जो जानकारी इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं, एक एक जो कैंडिडेट है जिनका नाम रखे गया है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। विपिन बताइए कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। देखिए 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है जिसमें एक सीट समाजवादी पार्टी के विधायक को सजा होने के बाद खाली हुई थी। बाकी 9 सीटों पर वो विधायक सांसद चुनकर गए हैं इसलिए उन सीटों पर चुनाव होना है। इन 10 सीटों पर चुनाव होना था, इसको लेकर तमाम दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया था। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे के ठीक एक दिन बाद समाजवादी पार्टी ने इस सीट का ऐलान करके अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वो कांग्रेस के दबाव में नहीं आने वाली है। क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि हम कम से कम 5 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन 6 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के दबाव में नहीं है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि एक सीट सिर्फ समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने के पक्ष में है। अगर वो लेती है तो, अगर उस पर नहीं मानेगी तो ये गठबंधन नहीं होगा। और जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, करहल वो विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे, लेकिन सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। यहां से अपने चचेरे भाई और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सीसामऊ सीट उनके विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद से ये खाली हुई थी। उन्हीं के परिवार के सदस्य नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को, मिल्कीपुर से सांसद अभेद प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को, कटहरी से शोभावती वर्मा को और बजवा सीट से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। जी तो 6 नाम सामने आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट को जारी किया गया और इस लिस्ट में कौन कौन से नाम है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी हो गई। करहल से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। फूलपुर से बात कर मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी उम्मीदवार बनाए गए। तो एक एक करके वो तमाम नाम इस वक्त उपचुनाव के लिए आपको बता रहे हैं। फूलपुर से बात करें मुस्तफा सिद्दीकी का नाम सामने आया है उपचुनाव के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। जो जानकारी इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं, एक एक जो कैंडिडेट है जिनका नाम रखे गया है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। विपिन बताइए कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। देखिए 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है जिसमें एक सीट समाजवादी पार्टी के विधायक को सजा होने के बाद खाली हुई थी। बाकी 9 सीटों पर वो विधायक सांसद चुनकर गए हैं इसलिए उन सीटों पर चुनाव होना है। इन 10 सीटों पर चुनाव होना था, इसको लेकर तमाम दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया था। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे के ठीक एक दिन बाद समाजवादी पार्टी ने इस सीट का ऐलान करके अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वो कांग्रेस के दबाव में नहीं आने वाली है। क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि हम कम से कम 5 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन 6 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के दबाव में नहीं है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि एक सीट सिर्फ समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने के पक्ष में है। अगर वो लेती है तो, अगर उस पर नहीं मानेगी तो ये गठबंधन नहीं होगा। और जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, करहल वो विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे, लेकिन सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। यहां से अपने चचेरे भाई और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सीसामऊ सीट उनके विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद से ये खाली हुई थी। उन्हीं के परिवार के सदस्य नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को, मिल्कीपुर से सांसद अभेद प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को, कटहरी से शोभावती वर्मा को और बजवा सीट से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। जी तो 6 नाम सामने आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।